17 मई को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोरगुल थम जाएगा। जुलूस, जनसभाओं और नुक्कड़ सभाओं पर रोक लग जाएगी। डोर टू डोर प्रत्याशी घरों में दस्तक दे सकते हैं। मंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि यदि चुनाव आयोग के निर्देशों की उल्लंघना हुई तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान 19 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। 11 घंटों के इस अंतराल में मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। चुनावों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र में 12,81,462 मतदाता 17 प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेंगे। इनमें 6,30,661 महिला मतदाता और 6,50,796 पुरुष मतदाता शामिल हैं। सर्विस वोटर की संख्या 13,747 है। इसके साथ ही तीसरे जेंडर के 5 मतदाता हैं। क्षेत्र में पहली बार मतदान करने वाले 25,500 नए मतदाता भी शामिल हैं। चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंडी संसदीय क्षेत्र में 2,000 पुलिस कर्मी और अधिकारी अपनी सेवाएं देंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए 19 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इसके लिए 2,083 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए 5,693 बैलेट यूनिट, 2,682 कंट्रोल यूनिट और 2,800 वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान प्रक्रिया को ठीक तरीके से पूरा करने के लिए 11,300 कर्मियों की जरूरत है। रिजर्व में रखे कर्मियों सहित कुल 13,116 कर्मी इलेक्शन ड्यूटी के लिए उपलब्ध हैं। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा हलके में 2 मतदान केंद्र महिला कर्मियों की ओर से संचालित होंगे। इस प्रकार पूरे संसदीय क्षेत्र में 34 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन पर महिला कर्मी ही मतदान करवाएंगी। इसी प्रकार मंडी संसदीय क्षेत्र में हर विधानसभा हलके में 2 आदर्श मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। यहां मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव के दिन नज़दीक आ रहा है। चुनाव 19 मई को होगा। सुबह उसका समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है। मेरा सभी मतदाताओं से अपील है कि वो ज़रूर आए और अपना वोट कास्ट करें। कुल मिलाकर हमारे पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2,083 बूथ स्थापित किए गए हैं जिसमें कि लोग अपना आके वोट कास्ट कर सकते हैं। जो कुल मतदाता हमारे पास इस पार्लियामेंट्री में है वो 12,81,462 वोटर्स हैं, जिसमें कि 13,474 ये हमारे सर्विस इलेक्टर्स हैं जो आर्मी पर्सनल है ऑन बॉर्डर। इस सब पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए लगभग 14,000 के करीब हमारे पोलिंग पर्सनल डिप्लॉय किए जाएंगे और उनकी जो फाइनल ट्रेनिंग है वो अभी चल रही है। आज और अगले कल 17 तारीख को पूरी पार्लियामेंट्री के सभी पोलिंग पार्टीज डिप्लॉय हो जाएंगे ताकि वो अपना बूथ सेटअप करें और 19 तारीख को सुबह मतदान शुरू कर पाएं। सर, विमेन स्पेशली विमेन वाले कितने बूथ रहेंगे इस बार? ECI की डायरेक्शन के अनुसार 2 पोलिंग बूथ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसका संचालन पूरी महिलाओं की टीम के द्वारा किया जाएगा। तो 2-2 पोलिंग बूथ हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आइडेंटिफाई किए हैं, तो कुल मिलाकर पूरे PC में पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 34 ऐसे बूथ हैं जो कि महिला द्वारा संचालित किए जाएंगे। सर, VVPAT का कितनी जगह मिलान होगा और वो उसका सिस्टम क्या रहेगा मिलान का, कि कैसे चुनेंगे आप लोग? काउंटिंग का जो विषय है, काउंटिंग 23 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। उसके विभिन्न स्थान चिन्हित किए गए हैं, सबको इन्फॉर्म भी किया गया है कि वहाँ पर काउंटिंग होनी है। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन है उसके अनुसार हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 मशीनों का जो VVPATs है उसका रिजल्ट और EVM का रिजल्ट उसकी टैली करनी है। तो ये 5 की सिलेक्शन रैंडमली
बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स करेंगे, ये ऑब्जर्वर की अध्यक्षता में ये एक्टिविटी होगी। ईवीएम की पूरी काउंटिंग होने के बाद, जितने भी राउंड्स ईवीएम के निर्धारित किए गए हैं उसकी पूरी काउंटिंग होने के बाद लॉट्स के माध्यम से 5 पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई किए जाएंगे और उन 5 पोलिंग स्टेशन को एक एक करके उसकी वीवीपैट वहाँ पर लाई जाएगी और सबके सामने उसकी काउंटिंग की जाएगी और रिज़ल्ट जो है ईवीएम का रिज़ल्ट और वीवीपैट का रिज़ल्ट दोनों टैली वहाँ पर किया जाए। ठीक है सर, थैंक यू। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।